इस दाल का टेक्सचर देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा है। दाल ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मंजू और हॉट एंड सॉर चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रेसिपी है दाल मखनी, जो बहुत यम्मी और टेस्टी बनने वाली है फ्रेंड्स। और आई होप कि ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और जब भी आप इसको ट्राई करें फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी। और यदि आप ये मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फ्रेंड्स, या फिर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ थोड़ा सा हमको सपोर्ट मिल जाता है यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए हम ये यम्मी यम्मी दाल मखनी की रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है उड़द की दाल, एक कप छिलके वाले साबुत उड़द की दाल है, आधा कप मैंने राजमा लिया है और एक चौथाई कप चने की दाल। इन तीनों चीज़ों को हम एक बर्तन में रख करके इसमें पानी डालकर हम इसको भिगो देंगे फ्रेंड्स। और इसको भिगाएंगे हम कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए, जिससे कि दाल हमारी अच्छे से फूल जाएगी। और दाल जितने अच्छे से फूलेगी तो हमारा टेक्सचर उतना अच्छा आएगा। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको मैं 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। और देखिए, मैंने उसको एक बड़े बर्तन में डाल लिया था और 7 से 8 घंटे के बाद हमारी दाल अच्छे से फूल करके तैयार हो गई है। अब हमको यहाँ क्या करना है कि अपने हाथों से मसल करके अच्छे से दाल को 2 या 3 पानी हम वॉश करेंगे। जो उससे क्या होगा कि हमारी जो दाल की एक्स्ट्रा गंदगी है या जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाएगा। तो देखिए कितना क्लीन हो गया है ये हमारा दाल। अब हम इसको एक कुकर में डालेंगे। और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी याद रहे फ्रेंड्स कि मैंने इसमें यहाँ पर 2 कप पानी डाला है। बहुत ज़्यादा पानी अगर हम डालेंगे तो हमारी दाल जो अच्छे से पकेगी नहीं, और कम डाल देंगे तो जल जाएगी। तो 2 कप पानी जो है इसके लिए सफिशियंट है। आधा चम्मच नमक डाला है और अब हम इसको बंद कर देंगे कुकर का ढक्कन, और गैस पे चढ़ा के फ्रेंड्स हम इसको पहले 1 सीटी लगाएंगे हाई फ्लेम पे, और उसके बाद हम 7 से 8 सीटी फ्रेंड्स हम इसके मीडियम फ्लेम पे लगाएंगे, जिससे कि हमारी दाल परफेक्ट बनेगी। और देखिए फ्रेंड्स, मैं अब भूल गई थी, तो मैंने एक दालचीनी और एक बड़ी इलायची डाल दी। इससे हमारे दाल में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मीडियम फ्लेम पे ये मेरी आखिरी सीटी आ चुकी है कुकर की। अब हम इसको ठंडा होने देंगे, और जब तक हमारा कुकर ठंडा हो रहा है हम यहाँ ग्रेवी बनाने की तैयारी करेंगे। तो मैंने एक प्याज लिया है, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्च, अदरक और लहसुन लिया है काफ़ी सारा। अब हम क्या करेंगे कि अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर, इन सभी चीज़ों को हम एक जार में डाल करके इसकी प्यूरी बना लेंगे। तो मैं जार में सभी चीज़ों को डाल देती हूँ, सिर्फ हम प्याज यहाँ पर नहीं डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी चीज़ों को इसमें डाल लिया है और मैं इसको बारीक पीस लूँगी। और अब जो मैंने प्याज लिया था इसको मैं बहुत ही बारीक चॉप कर लूँगी। अब इधर हम देखते हैं कि हमारा कुकर भी पूरी तरह से अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको खोल लेते हैं और देखते हैं कि हमारे दाल की क्या हालत है। तो देखिए फ्रेंड्स, दाल हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट, ये देखिए दाल हमारी बहुत अच्छे से फ्रेंड्स पक चुकी है, आप देख सकते हैं। मैं हाथ से मैश करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितना इजीली मैश हो रहा है। और फ्रेंड्स, दाल मखनी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी दाल अच्छे से पकी हो, क्योंकि हमारा जो दाल का टेक्सचर होता है दाल मखनी का, वो तभी अच्छे से आता है जब हमारे दाल का स्टार्च अच्छे से निकला हो। और दाल हमारा जितना अच्छे से पकता है उसका स्टार्च उतने ही अच्छे से रिलीज़ होता है। और अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से दाल को हम घोंट लेंगे, यानी कि हम इसको अच्छे से मैश करेंगे। और यदि आप यहाँ पर चाहें तो फिर थोड़ा सा दाल लेकर के उसको मिक्सी के जार में डाल करके भी उसको बारीक पीस के इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे कि हमारी दाल का टेक्स्चर बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन मेरी दाल यहाँ बहुत अच्छे से पकी हुई है, तो मैं इसको कच्छी की हेल्प से ही 2-4 बार इसको हम ऐसे करेंगे तो ये हमारा अच्छे से मैश हो जाएगा। और देखिए, इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्सचर दाल का आने लगा है। बाकी हम जब दाल पकेगी तो उस टाइम पे भी हम थोड़ा थोड़ा घोट लेंगे तो उसका टेक्सचर और अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, ये रेडी हो गया है और हम ग्रेवी बनाते हैं। इसके लिए तो मैंने एक पैन चढ़ा दिया है गैस के ऊपर, इसमें मैं ऑयल डाल दूँगी।
तो मैं यहाँ पहले एक बड़ा चम्मच ऑयल डालती हूँ, और यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल का यूज़ किया है, कोई भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, दाल मखनी है तो मक्खन तो जाएगा ही, और यदि आप नहीं डालना चाहते हैं, सिर्फ ऑयल में पकाना चाहते हैं, तो भी आप पका सकते हैं। तो जैसे ही हमारा यहाँ बटर मेल्ट हो जाएगा, तो मैंने जो बारीक चॉप करके प्याज रखा था उसको डाल देंगे। जब हमारा प्याज में हल्का सा ब्राउन कलर आ जाएगा, तब हम इसमें, देखिए ब्राउन कलर अच्छे से आ गया है, हमारा प्याज भुन गया है, और अब हम इसमें जो हमने टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था उसको इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से पका लेंगे, और जब ये पक जाए तो इसमें मैं डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी। बाकी हम यहाँ पे मैं कोई भी मसाले ऐड नहीं करूँगी फ्रेंड्स, बाकी के मसाले मैं दाल के साथ ऐड करूँगी, जिससे उसका जो टेस्ट है दाल में, मसालों का टेस्ट, वो बहुत अच्छा आएगा। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। तो इसको पकाने के लिए मैं लीड लगा कर इसको 5 मिनट तक पका लूँगी, और 5 मिनट में हम देखते हैं कि हमारे मसाले ने अच्छे से तेल रिलीज़ कर दिया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वीडियो में इसका टेक्स्चर कितना अच्छा आ गया है। जब हम कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं फ्रेंड्स, पहले तो काफ़ी अच्छा ग्रेवी में टेक्स्चर आ जाता है। तो अब मैंने दाल भी ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से चला लेंगे, और चलाने के टाइम पे फिर हम थोड़ा सा यहाँ पे दाल को मैश करेंगे। तो देखिए, इसको मैंने अच्छे तरह से चला लिया है, और आप देखिए दाल का टेक्सचर कितना अच्छा आना शुरू हो गया है। अभी जब इसमें हम पानी डालेंगे और इसकी ग्रेवी बनेगी फ्रेंड्स, तो हमारी दाल का टेक्सचर और अच्छा आएगा। तो मैं यहाँ पर 1 कप और पानी डाल देती हूँ, ताकि हमारा दाल अच्छे से पक सके। और पानी डालने के बाद फ्रेंड्स, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ डालती हूँ 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। इसको हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे मसाले ऐड करने से फ्रेंड्स, इसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन आप अगर चाहें तो पहले भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 हरी मिर्च बीच में से हाफ कर लिया था, वो डाल दूँगी। अदरक डाल दिया है, और यहाँ मैंने कसूरी मेथी ली है, और इसको मैंने रोस्ट कर लिया है। कसूरी मेथी का भी टेस्ट फ्रेंड्स बहुत अच्छा आता है दाल मखनी में, तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर ऐड करें। नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर देंगे। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स, और याद रखें नमक हमने पहले भी डाला है, तो नमक हम थोड़ा ध्यान से ही डालेंगे। अब ढक देंगे, और ढक के हम इसको 10 से 15 मिनट तक दाल को मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे, और 10 से 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हमारे दाल का टेक्सचर कितना अच्छा आ गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, लग रही है ना अच्छी दाल। देखिए, अब हम यहाँ पर धनिया की पत्ती डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कि हमारा दाल एकदम परफेक्ट कितना अच्छा लग रहा है। और दाल मखनी में है, दाल मखनी है, तो और मैंने यहाँ पर 2 चम्मच क्रीम के डाल दिए हैं, इससे हमारे दाल का टेक्सचर और भी अच्छा हो जाता है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए। और अब हम क्या करेंगे, दाल को ढक के 2 मिनट के लिए पकाएंगे, और उसके बाद हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये दाल मखनी बनकर तैयार है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और अपना फीडबैक देकर बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में सभी के साथ शेयर कीजिएगा। तो इन्जॉय कीजिए इस दाल को फ्रेंड्स, और मैं एक बार फिर मिलती हूँ आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।